चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एटॉमिक नंबर करस्पॉन्ड टू द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16। देखिए ग्रुप में एटॉमिक नंबर पता करने के लिए मैजिक नंबर आपको हेल्प करेगा, मतलब मैजिक नंबर याद होना चाहिए। मैजिक नंबर ऑफ पी ब्लॉक, कंप्लीट पी ब्लॉक के लिए होता है 8, 18, फिर 18, फिर 32 और फिर 32। ठीक है, जैसे देखिए बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थेलियम है ना। इसके नीचे और होता है NH। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर, पहला एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो सबको पता रहता ही है। अब ये मैजिक नंबर ऐड कीजिए इसमें, 5, 8, 13 हो गया। दूसरा मैजिक नंबर 18 जोड़िए, 31 हो गया। और अगला जोड़िए तो 49 हो गया, और 32 जोड़िए तो 81 हो गया। ठीक है ना, और अगला जोड़िए तो 81, 32, 113 हो गया। ठीक है ना, तो इस मैजिक नंबर को यूज करके आप कंप्लीट पी ब्लॉक में एटॉमिक नंबर टॉप टू बॉटम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। जैसे अब ऑक्सीजन वाले में चलते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है ना, और यहाँ पर एल भी होता है। अब देखिए ऑक्सीजन का हमें पता होना चाहिए 8। अब मैजिक नंबर ऐड करना सोचिए, 8, 8, 16 हो गया। 16 में 18 जोड़िए 34 हो गया। फिर जोड़िए तो ये हो गया आपको 52 हो गया। फिर उसके बाद 32 जोड़िए 84 हो गया। फिर 32 जोड़िए 116 हो गया। ये इसका एटॉमिक नंबर है टॉप टू बॉटम। किसी भी पी ब्लॉक में आप जो है ना, बोले तो ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 17 तक मैं किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर अगर आपको पता करना हो तो ये मैजिक नंबर से आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो देखो हमें पता करना है कि ग्रुप 16 का मैजिक नंबर से एटॉमिक नंबर वाला कौन कौन सा ये है, ठीक है ना। तो मैजिक नंबर को यूज करके हमें पता करना है कि कौन सा एटॉमिक नंबर का सेट सही है। तो 16 देखिए यहाँ से दिया है 16, 34, 52 और ठीक है ना 84। अरे हम गलती कैसे, 34 प्लस 82 में 80, 81, 82 कार्बन वाले में 82, फिर 83, 84 सही तो है। तो आठ यहाँ पर गड़बड़ी है, 8, 16, 34, 52 यहाँ सही है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहता है एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटालिक, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर HG मेटल में, ठीक है ना, और नॉन मेटल में ब्रोमीन आ जाता है, ठीक है ना, जो कि नॉन मेटल है। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 35, इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। ये HG जो है जिंक वाले ग्रुप में है, जिंक कैडमियम HG है ना। डी ब्लॉक में
डी ब्लॉक में जो मैजिक नंबर होता है वो होता है 18, 30, 2, 32 और ये लागू होता है ग्रुप नंबर 4 से लेकर 12 तक। ग्रुप नंबर 4 से लेकर 12 तक और ग्रुप नंबर 3 में चलता है, ग्रुप नंबर 3 में चलता है 18, 18, 32। ये याद रखना पड़ेगा, याद रखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो अब इसका फ़ायदा होगा, जिंक का आपको पता है 30 होता है, 30 में 18 जोड़ दीजिए तो 48 हो गया, 32 जोड़ दीजिए तो 80 हो गया, और इसके नीचे CN होता है, ठीक है ना, उसमें 32 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंप्लीट ग्रुप 12 का जो है एटॉमिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और ये ब्रोमीन जो है ये फ्लोरीन वाले फैमिली में, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 हो गया, फिर 8 जोड़ेंगे तो 17, फिर 18 जोड़िए 35, फिर 18 जोड़िए 53, फिर 32 जोड़िए 85, फिर उसके बाद 117 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर TS होता है लास्ट में। खैर तो कुल मिलाकर पूछा क्या है, पूछा है अपने से रूम टेम्परेचर पर लिक्विड मेटल और लिक्विड नॉन मेटल। तो मेटल में तो HG हो जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर 80 और नॉन मेटल में ब्रोमीन हो जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर 35। तो D इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कहता है इन द पीरियडिक टेबल द मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है बताइए, मेटालिक कैरेक्टर जो है ये आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। और आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट जो है बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट बढ़ता है तो मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम बढ़ता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है तो इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और टॉप टू बॉटम में आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है ना, आयनाइजेशन एनर्जी कम होता जाता है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, और आयनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। जब भी डाउन द ग्रुप बोले तो टॉप टू बॉटम की बात हो रही है, पीरियड की बात करे तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट चल रहा है, तो ये सही है। फर्स्ट ऑप्शन में कहता है डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, गलत हो गया। इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना, समझ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 9 प्रोटॉन। कहता है कोई एटम है, एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन है, यानी उसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 9, और एटॉमिक नंबर 9 का मतलब हो गया ये फ्लोरीन की बात कर रहा है। फ्लोरीन का जब कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो आपको पता है ये आएगा 2s2 और 2p5, ठीक है ना। और 2p5 का जब आप बॉक्स डायग्राम बनाइएगा इलेक्ट्रॉन के हिसाब से तो आप देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है ना। तो कहता है इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। कैसे डिसाइड करते हैं, तो किसी भी एटम के ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वो उसकी वैलेंसी बन जाती है। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, और चूंकि सेकेंड पीरियड वाले में और कोई सबसेल होता भी नहीं है 2s2p के अलावा, ठीक है ना, तो इसलिए एक्साइटेशन भी नहीं हो सकता है, तो एक ही अनपेयर्ड रहेगा तो इसकी वैलेंसी एक ही होगी।
ठीक है ना, तो फ्लोरीन की बात हो रही है और वैलेंसी पूछ लिया फ्लोरीन का, तो एक हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ट्रांजिशन मेटल आर नॉट करेक्ट, ट्रांजिशन मेटल के बारे में प्रॉपर्टी पूछा है, कहता है फिक्स वैलेंसी, गलत बात, इसकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। ठीक है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरिएबल होता है। ठीक है ना, कोई भी n-1d यही तो होता है कॉन्फ्यूगेशन। ठीक है ना, 1 से 10 और फिर ns होता है 1 से लेकर 2। क्लियर है, इस तरह से कॉन्फ्यूगेशन चलता है। तो इसमें जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है ns इलेक्ट्रॉन प्लस में, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो होता है ns इलेक्ट्रॉन प्लस का n-1d इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव होता है, मेटालिक है इसलिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो कुल मिलाकर इसकी जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है। इसकी जो वैलेंसी होती है वो कैसी होती है, वेरिएबल होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बॉन्ड बनाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे एक्साइटेशन होता जाता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण जो है इसकी वैलेंसी बदलती चली जाती है। क्लियर है, तो नॉट करेक्टराइज पूछा है तो यही हो गया। यहाँ फिक्स्ड वैलेंसी की जगह पर फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होता लिखा हुआ, तो भी यही करेक्ट आंसर होता है। अब आप ट्रांजिशन मेटल का मतलब होता है कि जिसका डी पार्शियली फिल्ड हो, मतलब डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे। ठीक है ना, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है ना, उसी के कारण जो है कलर्ड कंपाउंड बनता है। ठीक है ना, और जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं, और फिर इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेटालिक नेचर के कारण ज़्यादा होता है। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टी है, ये याद ही रखना पड़ता है। ठीक है ना, इसमें मेन समझने वाला यही था जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।